अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई बिलासपुर गुमार में झंडुता के कार्यकर्ता अपनी मांगे मनवाने के लिए सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। विद्यार्थी परिषद द्वारा 24 घंटे की सांकेतिक भूख हड़ताल की जा रही है। विद्यार्थी परिषद ने बताया कि प्रदेश स्तरीय सांकेतिक भूख हड़ताल की जा रही है, जो 26 तारीख से 27 तारीख तक रहेगी, तथा ये भूख हड़ताल प्रदेश स्तरीय तथा स्थानीय मांगों को लेकर की जा रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई बिलासपुर घुमार में झंडुता के कार्यकर्ता अपनी मांगे मनवाने के लिए सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। विद्यार्थी परिषद द्वारा 24 घंटे की सांकेतिक भूख हड़ताल की जा रही है। विद्यार्थी परिषद द्वारा ने बताया कि प्रदेश स्तरीय सांकेतिक भूख हड़ताल की जा रही है, जो 26 तारीख से 27 तारीख तक रहेगी। ये भूख हड़ताल प्रदेश स्तरीय तथा स्थानीय मांगों को लेकर की जा रही है। मांगों के संदर्भ में बताते हुए उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद की प्रमुख स्थानीय मांगे कि छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकार, छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाएं, परीक्षा परिणामों में अनियमितताओं को दूर कर परीक्षा परिणाम समय पर घोषित किए जाएं, क्लस्टर विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर का निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाए, इसी सत्र से कक्षाएं शुरू की जाएं और विश्वविद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए, केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर का निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाए, प्रदेश विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और गैर शिक्षकों के रिक्त पदों का तुरंत भरा जाए और महाविद्यालयों के आधारभूत ढांचों को सुदृढ़ किया जाए। बागवानी विश्वविद्यालय नौणी और कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में छात्रों से ली जा रही अत्यधिक फीस वृद्धि को कम किया जाए। तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में सेल्फ फाइनेंसिंग के नाम पर ली जा रही भारी फीस वसूलना बंद की जाए और प्रदेश सरकार विश्वविद्यालय के लिए बजट का उचित प्रावधान करे। निजी विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेजों में व्यापक भ्रष्टाचार, बहुत जबरदस्त फीस वसूली पर लगाम लगाई जाए। भ्रष्टाचार से संतुलित निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग के चेयरमैन के कटोच को तुरंत प्रभाव से प्रकाशित किया जाए। प्रदेश में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर नकेल कसी जाए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद पूर्व में स्थानीय मांगों के संदर्भ में प्रधानाचार्य को ज्ञापनों के माध्यम से सूचित कर चुका है, परंतु अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया। वहीं प्रदेश स्तरीय मांगों के संदर्भ में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को प्रधानाचार्य के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है। यदि जल्दी ही विद्यार्थी परिषद की मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो ये छोटी सी भूख हड़ताल बड़े आंदोलन, भूख हड़ताल बड़े आंदोलन का रूप ले लेगी, जिसके जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की होगी। मात्रा में विद्यार्थी परिषद जो आज 24 घंटे की सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठ रही है, उसमें जो हमारी जो प्रमुख मांगी थी, जो ऐसे हम छात्रों का लोकतांत्रिक चुनाव अधिकार जो अभी तक बंद है वो बहाल नहीं किया गया, तो हमारी सरकार से मांग है कि जो हमारा एससीए चुनाव है वो बहाल किए जाए और प्रदेश विश्वविद्यालय में जो हमारे रिजल्ट से जो टाइम बढ़ते जा रहे हैं, ढंग से ढंग पे परिणाम घोषित नहीं होते हैं उनके खिलाफ, और विश्वविद्यालय निजी प्रशासन में जो मुद्दे घोटाले हो रहे हैं उन पर लगाम लगाई जाए और प्रदेश में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पे काम लगाम लगाया जाए। इन सब मांगों को लेकर हम विद्यार्थी परिषद 24 घंटे के लिए भूख हड़ताल पर बैठी है। अगर प्रशासन इन मांगों को पूरी नहीं करती तो उन्हें विद्यार्थी परिषद के उग्र आंदोलन का सामना करना पड़ेगा।